प्रिय संस्कृत मित्राणि, ब्रह्म संस्कृता नीट सत्कम में अभी तक हमने 8 श्लोकों तक की चर्चा की। मूर्ख पद्धति की चर्चा चल रही है, भर्तृहरि के द्वारा विरचित है और इसमें मूर्खों के लक्षण बताए जा रहे हैं हर श्लोक। इसलिए इसे मुक्तक छंद कहते हैं। एक श्लोक में ही सारा भावार्थ, सारी कहानी निकल कर आ जाती है। ऐसे रचनाएं जो होती हैं वह मुक्तक कहलाती है। यदि एक श्लोक की रचना दूसरे श्लोक से संबंध है, उसकी कहानी दूसरे श्लोक से जुड़ी हुई है, तो वह मुक्तक छंद नहीं है। तो मुक्तक छंद का होता है एक ही श्लोक में एक छोटी सी कहानी को कह देना। तो इसी का अनुकरण करते हुए भरत ने नीर शतक की रचना की। मुक्तक छंद है अर्थात एक श्लोक दूसरे श्लोक पर आश्रित नहीं है, एक ही श्लोक में सारे अर्थ निकल आते हैं। हरणी छंद दिया गया है और आइए इसका क्या अर्थ है, क्या भाव अर्थ है, हमारे साथ वाचन कीजिए। इसका ध्वनि कैसा है, कैसे पढ़ा जाएगा, तो आप केवल पढ़ते रहें। आप लोग कहते हैं कि छंद, छंद के का अर्थ ही होता छंद, देखो रटने की चीज़ नहीं है, बार बार वाचन करो, बार बार पढ़ो, आपको खुद ही पद्य सामने आएगा। वैसे ही सुर में अगर गाय बैठ गया तो समझ लेना कि वह वही छंद है। क्लियर हो गया? तो आइए हरणी छंद है, हमारे साथ वाचन कीजिए, उसके बाद इसके भावार्थ को जानते हैं। हाँ, चैनल पर पहली बार है तो चैनल से जुड़े, सपोर्ट करें, लोगों तक पहुँचाएँ। तो आइए हमारे साथ कहिए कि क्रीम कुलचितम लाला क्लिन्नम विगन्धे जुप्सितम। बोलिए हमारे साथ कि क्रीम कुलचितम लाला क्लिन्नम विगन्धे जुप्सितम निरुपम रस प्रीत्या खादन खरास्ते निरामिषम सुरपतिमपि स्वापार्श्वम् पार्श्वस्थ विलोक्यम न संकते न हि गणयति क्षुद्रो जन्तो हो परिग्रह फल्गुताम नहि गणयति क्षुद्रो जन्तो हो परिग्रह फल्गुताम। तो यहाँ पर भर्तृहरि हर श्लोक में एक नई चीज़ बताते हैं, एक नई जीवन के उद्देश्य को, जीवन को प्रेरित करने वाले शब्दों के या अपने पद्यों के माध्यम से वह उपदेश देते हैं, एक सीख देते हैं कि यदि मूर्ख पद्धति में मूर्खों का लक्षण क्या है। तो यहाँ पर बताया गया कि नीच की नीचता कितनी होती है, इस श्लोक में बताया गया कि ना ही गणयति क्षुद्रो, जो क्षुद्र होते हैं, जो नीच होते हैं, वह गणना नहीं करते। कि परिग्रह फलगुताम, कि जी उस वस्तु की निस्सारता को, व्यर्थता को वह गणना ही नहीं करते कि यह व्यर्थ है, कि हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं है। इसकी गणना नीच लोग, नीच क्षुद्रो जंतु, जंतु का अर्थ हो गया कि जो उन्होंने उदाहरण दिया है ना जंतु के माध्यम से, एक जानवर का उदाहरण दिया, इसलिए जंतु शब्द का प्रयोग किया। यदि मानव से संबंधित उदाहरण देते तो मान यहाँ जंतु नहीं होता। तो ही बताया कि जो क्षुद्र लोग होते हैं, जो नीच स्वभाव के लोग होते हैं, वह वस्तु जो एकत्रित करते हैं नीचता, जो नीच पुरुष वस्तु एकत्रित करते हैं, जो वह वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं, जो उपयोग करते हैं, वह कितना व्यर्थ है, इसकी वह गणना नहीं करते। नहि गणयति क्षुद्रो जन्तु परिग्रह फलगोता, फलगोता मन निस्सारता, व्यर्थता, माने उसका कोई महत्व नहीं है। वह नीच पुरुष ऐसी कोई गणना नहीं करता कि वह हमारे उपयोग में है,
कि वह हमारे लिए कितना लाभदायी है। नीच पुरुष इसकी कभी भी गणना नहीं करते। अब बताया गया कि इसी का तीन लाइनों में एक उदाहरण के माध्यम से बताया गया कि स्वा माने कुत्ता, खादन खरास्ते खाता हुआ कुत्ता, खादन खाता हुआ स्वा माने कुत्ता, कुत्ता कुछ वस्तु खा रहा है, सत्र प्रत्यय लगा है खादन स्वा या स्वा खादन, खाता हुआ कुत्ता, खरास्थ खर मन किसी किसी किताबों में नर भी दिया वो नरास्थ, लेकिन नीचता की चर्चा चल रही है इसलिए यहाँ पर खर माने गधा, खर माने गधा और अस्थि माने हड्डी, माने गधे की हड्डी को खाता हुआ कुत्ता, और वह हड्डी कैसी है तो दिया गया निरामिषम, वह हड्डी में आमिष माने होता है मांसल युक्त, जिसमें मांस लगा हो आमिष, निरामिष माने जिसमें मांस ना हो, तो बिना मांस रहित अर्थात जिस हड्डी में मांस न लगा हो केवल हड्डी ही हो ऐसे हड्डी, और हड्डी किसकी है गधे की है, तो यहाँ पर क्षुद्र गधे क्षम्यताम यहाँ पर क्षुद्र कुत्ते को बताया गया, और फल्गुताम जो है यहाँ पर खर को बताया गया कि जो क्षुद्र है उसकी तुलना कुत्ते से की गई, और जो निस्सारता है व्यर्थता है वह गधे की हड्डी है, तो यही चीज़ बताई गई कि खाता हुआ गधे की हड्डी को खाता हुआ कुत्ता, और वह हड्डी कैसी है निरामिषम है अर्थात बिना मांस के है, ऐसी हड्डी को खाता हुआ कुत्ता के सामने क्या आ जाए कि सूरपति मापि पार्श्वस्थम विलोक्य, कि बगल में सूर माने देवता, पति माने स्वामी, देवताओं के स्वामी यदि उसके पार्श्वस्थम समीप आ जाएं, तो देवताओं के स्वामी कौन है इंद्र, कि उस कुत्ते के पास जो गधे की हड्डी बिना मांस का है उसको चबाता हुए कुत्ता या उसको चबाता हुआ जो कुत्ता उसके पास यदि भगवान इंद्र भी समीप आकर खड़े हो जाएं, तो बिलोक के न संकते वह कुत्ता थोड़ा सा भी संकित नहीं होता, बिलोक के देख कर न संकते थोड़ा सा भी संकित नहीं होता, क्योंकि जो सूरपति हैं वह वैभवशाली हैं, उनके पास सब कुछ है, लेकिन कुत्ता थोड़ा सा भी संकित नहीं होता, वह मस्त ही है हड्डी को चबाने में, उसे डर है कि कहीं सूरपति जी इस गधे की हड्डी को न मांग ले, इसीलिए वह थोड़ा सा भी संकित नहीं है। अरे देवता देवताओं के देव जो राजा हैं वह आपके पास खड़े हैं, कम से कम उनकी लाज वस्तु आप हड्डी खाना छोड़ दो, लेकिन उस कुत्ते को भय है डर है, यही नीच पुरुष की विशेषता भी है कि कहीं कोई व्यक्ति हमसे कोई चीज न मांग ले, इसीलिए वो जिस काम में लगा रहेगा अनदेखा कर देता है, उसी तरह यह कुत्ता भी क्या कर रहा है कि बिना मांस के जो गधे की हड्डी को चबा रहा है, समीप में खड़े हुए भगवान इंद्र को जो सूरपति हैं देवताओं के भी राजा हैं, देवताओं के जो राजा हैं जो वैभवशाली हैं धन धान्य से संपूर्ण हैं अर्थात वह इच्छा अनुसार सारी चीज़ों को अपने वश में कर सकते हैं, सारी चीज़ें उनके वश में है, जो चीज़ चाहे वह उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, उसको पा सकते हैं, उनके लिए हर चीज़ सहज प्राप्त हो सकती है, ऐसा व्यक्ति उस कुत्ते के बगल में खड़ा है, लेकिन वह कुत्ता उन्हें देखकर थोड़ा भी संकित नहीं होता, थोड़ा भी उसे शर्म नहीं आ रही है कि भगवान इंद्र खड़े हैं, देवताओं के राजा खड़े आए हैं, सूरपति आए हुए हैं, अब तो खाना छोड़ दे, लेकिन कुत्ते को डर है, शंका है कि कहीं इंद्र जी इस गधे की हड्डी को ना मांग लें, कि लाओ थोड़ा सा हम भी चाट लें। अब वह हड्डी कैसी है ऊपर की दो लाइनों में बताया गया के क्रेम कोल चितम लाला, वह जो हड्डी है ना क्रीम कुल चितम कीड़े पड़ गए हैं, कीड़े बलबला रहे हैं उसमें, औला केलिन्नम
और वह लार से भीगा हुआ है, वह जो हड्डी है वह लार से भीगा हुआ है। भर्तृहरि की रचना देख लेना, यह जुगुप्सित विभत्स रस का बहुत बड़ा उदाहरण है। आप इसको याद कर लीजिए, विभत्स रस की परिभाषा लिखनी हो, उदाहरण देना हो, यही लिख लीजिए, हरणी छंद में दिया है। और वह लार से व्याप्त है, क्लिन्नम व्याप्त है, विगंधी माने गंध जिसकी चली गई अर्थात दुर्गंध है, और जो गुप्सितम भी है, उस हड्डी को देखकर ना घृणा आ रही है, उस हड्डी को देखकर जुगुप्सितम घृणा आ रही, देख लो तो उल्टी हो जाए, ऐसी हड्डी को वह कुत्ता खा रहा है। और वह शंका भी कर रहा है कि बगल में इंद्र खड़े हैं, कहीं वह भी न मांग ले, इसीलिए वह थोड़ा सा भी सशंकित नहीं हो रहा है, वह खाने में ही मस्त है कि कहीं छीन न ले। तो वही चीज बताई गई कि खादन खरास्ति स्वाह, और वह जो गधे की हड्डी है मांस नहीं है, और क्या क्या नहीं है, तो वह उस हड्डी में क्रीम कुलचितम, सब हड्डी की विशेषण दिए गए हैं, वह हड्डी कीड़ों से युक्त है, कीड़े बलबला रहे हैं, और लाला क्लिन्नम लार से वह बलबला रहा, लार से वह युक्त है, भीगा हुआ है, बेगंधे सुगंध भी नहीं, बिगंध ही लिया है, जिसकी गंध चली गई तो विशिष्ट गंध विशेष उसमें से दुर्गंध आ रही है, और जो गुप्सितम देखने पर ही उसे घृणा आ जाती, ऐसी हड्डी को वह कुत्ता बड़े। तो दिया क्या गया नीचे लाइन में, के निरुपम रस प्रीत्या, प्रीत्या माने प्रेम से, बहुत प्रेम पूर्वक ऐसी हड्डी को चाट रहा है, और कैसे कितना प्रेम है, तो दिया है निरुपम, जिसकी कोई उपमा ही ना हो, ऐसे प्रेम से वह कुत्ता हड्डी को खा रहा है। उसी तरह से जो हमारे समाज में नीच पुरुष होते हैं, हड्डी में कुछ भी नहीं है, कुत्ता हड्डी को क्यों खाता है, कि हड्डी को चाटते चाटते उसके जीभ से स्वयं ही खून निकल जाता है, तो उसे लगता है कि वह खून हड्डी से निकल, इसलिए वह हड्डी को बहुत बुरी तरह चाटता है या खाता है। आप किसी भी गांव के होंगे तो ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए बताया गया कि कहीं वह गधे की हड्डी भगवान इंद्र न मांग लें, इसीलिए वह कुत्ता थोड़ा सा भी सशंकित नहीं होता। इसी तरह नीच पुरुष भी जो है, जो वह फलगुताम वस्तु की तुच्छता को, निस्सारता को, व्यर्थता को नहीं समझते, बस वह बड़े प्रेम से अपने पास रखते हैं कि कहीं कोई हमसे ना मांग ले, वह वस्तु की महत्ता को नहीं समझते। तो यह उसका उदाहरण एक कुत्ता और गधे की हड्डी से दिया गया, तो क्षुद्र कुत्ते को बनाया और फलगुताम गधे की हड्डी को बनाया। क्षुद्र किसी तुलना किससे की गई, कुत्ते से, कुत्ते की तुलना आज के मनुष्य नीच मनुष्य से, आज के मनुष्य से नहीं, नीच के मनुष्य से। और खरास्त माने उसका जो स्वभाव है, वह नीच पुरुष जो सामान इकट्ठा किया है उसकी महत्ता कितनी है, उसकी व्यर्थता जाने बिना ही वह अपने पास रखा हुआ है, उसके जीवन में कोई उपयोग नहीं होगा लेकिन फिर भी वह अपने पास रखेगा। तो यह बताया गया कि नीच की नीचता इतना गिरी हुई होती है कि उसके महत्ता को वह समझ नहीं पाता, नीच व्यक्ति वस्तु की महत्ता को नहीं समझता। इस श्लोक के माध्यम से बताया गया कि क्रेम कोल चितम लाला क्लिन्नम विगंधे जुगुप्सितम निरुपम रस प्रीत्या। और हड्डी को कैसे चबा रहा है कि ऐसा कि जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, ऐसे प्रेम से वह खादन खरास्ति वह कुत्ता गधे की हड्डी को चबा रहा है। और हड्डी कैसी है, कीड़े युक्त हैं, लार से भीगी हुई है, दुर्गंध आ रही है, देखने पर भी घृणा हो जा रही है, ऐसी मांस से रहित हड्डी को खाता हुआ कुत्ता बगल में खड़े सुराधिपति, बगल में खड़े सुराधिपति को देखकर सशंकित नहीं होता। उसी तरह नीच व्यक्ति भी वस्तु की तुच्छता को, व्यर्थता को, निस्सारता को न समझते हुए भी जो है
उस वस्तु की गणना नहीं करते। तिनहि गणयति क्षुद्रो जन्तोः परिग्रह फलगोताम, कि जो क्षुद्र लोग होते हैं, जो नीच लोग होते हैं, वह वस्तु की क्षुद्रता को, वस्तु की व्यर्थता को नहीं समझते। क्लियर हो गया? तो एक बार ऊपर से नीचे की तरफ अर्थ की तरफ आते हैं, हमारे साथ वाचन कीजिए। हरणी छन दिया गया है कि कृम कुल चितम लाला क्लिन्नम विगंधे जुसितम निरुपम रस प्रीत्या खादन खरास्ते निरामिषम सुरपतिमपि स्वापार्श्वम पार्श्वस्थम विलोक्यन संकते नहि गणयति क्षुद्रो जन्तोः परिग्रह फलगोताम। कृमि कुलचितम कीड़े से युक्त, लाल क्लिन्नम लार से भीगी हुई, विगंध दुर्गंध, जुगुप्सितम घृणा से युक्त, निरामिषम मांस से रहित, खादन खाता हुआ, खरास्त गधे की हड्डी को, स्वामा ने कुत्ता। क्लियर हो गए? ये सब जो है क्रीम कुलचितम लाला क्लिन्नम विगंध जुगुप्सितम निरामिषम, ये सब खरास्थी अस्थि के जो हैं गधे के हड्डी के विशेषण दिए गए, और वह गधे की हड्डी को रस बड़े प्रेम से खा रहा है, और जो वह प्रेम दिखा रहा है ना, उसकी कोई उपमा नहीं है। निरूपम रस, बहुत रसपूर्ण, उसे इतना आनंद मिल गया। प्रेम होता कैसे जब उसमें उसको रस मिलेगा, ऐसे रस से युक्त, और उस दृश्य को देख उसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, इतना प्रेम से वह कुत्ता खा रहा है। और बगल में सुरपति मपिश्वा, और उस कुत्ते के बगल में देवाधिपति अर्थात देवों के जो अधिपति हैं, राजा हैं, भगवान इंद्र बगल में खड़े हैं। वो कुत्ता थोड़ा सा भी सशंकित नहीं होता, अरे भगवान इंद्र आए हुए हैं, थोड़ा सा उनके सामने रुक जाओ। इसीलिए भर्तृहरि ने चौथी लाइन में कहा कि नहि गणयति क्षुद्रो जन्तोः परिग्रह फलगोताम, कि नहि गणयति क्षुद्र है, क्षुद्र नीच लोग गणना नहीं करते। किसकी गणना नहीं करते? तो वस्तु की निस्सारता को, व्यर्थता की गणना नहीं करते। तो यह श्लोक का भाव रहा, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो आइए हम एक बार सभी से निवेदन करेंगे कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।